किधर रह गए हो? जल्दी आओ, इनकी नमाज का खुतबा शुरू होने वाला है। भाई सुनो। हाँ बोलो भाई, कुछ मदद कर दो। आ जाइए, इसका दिन है, कुछ चीनी वगैरह दे दो। ये लो भाई। शुक्रिया भाई। हाँ भाई बोल, कितनी हुई थी अमाउंट तेरी? 1000? बड़े अच्छे। मेरी 500 हुई है यार। अभी ये सब अबू ने दिए, और बाकी अभी खानदान वगैरह ने भी नहीं दी, अभी जाएंगे। अच्छा बेटा, चल मैं बाद में बात करता हूँ अबू आ गए। तुमने अपने दोस्त से झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हें 500 रुपये ही दे दिया है? मैंने तो तुम्हें 1000 रुपये ही दे दिए सुबह। वो अब 500 रुपये मैंने खर्च कर दिए है, इस वजह से मैंने दोस्त को भी बताया कि 500 रुपये ही दी मिली है। बेटा पहले तुम अपने दोस्त से झूठ बोल रहे थे, अब तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें ऊपर से देखा था, तुम नीचे ज़रूरतमंद को पैसे दे रहे थे अपनी ईडी में से। वो अबू, मुझे स्कूल में सिखाया गया है कि है ना, मतलब अगर आप नेकी करो ना, तो अगर सीधे हाथ से कर रहे हो तो ऐसे करो कि उल्टे हाथ को भी पता ना चले, और मतलब नेकी का बताना नहीं चाहिए दूसरों को कि मैंने ये नेकी की। इस वजह से मैं आपसे भी छुपा रहा था। माशाल्लाह बेटा, क्या बात है, आज तो तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया, और मुझे फख्र हो रहा है अपनी तरबियत पर और तुम पर। चलो बेटा, ऐसी बात पे तुम जाओ, अपनी मम्मी से बोलो जल्दी से तैयार हो जाए, फिर हम कहीं निकलते हैं घूमने के लिए, सही है? अच्छा अबू, मैं जल्दी से जाता हूँ, मम्मी को बोलता हूँ कि वो तैयार हो जाए, फिर हम लोग चलेंगे कहीं घूमने के लिए, सही है? मैं जाता हूँ। तो यही थी हमारी शॉर्ट फिल्म। तो मैं बस एक बात कहना चाहूँगा यार, कि दिखावा नहीं करो। किसी को राशन दे रहे हो, किसी को 10 रुपए दे रहे हो, या किसी को जितनी बड़ी मदद कर रहे हो ना, ना उसकी तस्वीर खींचो, ना दूसरे अपने किसी दोस्त को बताओ कि मैंने गरीब को इतने पैसे दिए आज। ये सही बात नहीं है, पता है? और अभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एक बाप ने अपने 4 बच्चों को नदी में फेंक दिया, पता है क्यों? वो अपने बच्चों को ईद के कपड़े नहीं ला सका। होता है शौक बच्चों को ईद के कपड़ों में नए नए कपड़े पहनने का, वो तुम सबको देखकर ही तो सीखते हैं ये सारे शौक, कि अमीर लोग भी नए कपड़े पहनते हैं तो हमें भी पहनना है। मैं मिडिल क्लास हूँ, ठीक है, सीरियस बताऊं, अब मुझे शौक नहीं है नए कपड़े पहनने के ईद पे, सही है? मैंने खुद इस साल ईद पे, अभी मैंने 2-3 महीने पहले बहन की शादी हुई थी मेरी, तो उसमें शलवार कमीज सिलवाए थे, वो ही पहनूंगा। मुझे शौक ही नहीं है ना अब नए कपड़ों का, वो कभी शादी में सिलवा देते हैं ये सब, ठीक है, तो हो जाता है। तो बस दिखावा नहीं करो, तस्वीरें ना लो गरीबों को राशन देते वक्त,